सभी को मेरा नमस्कार। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सेटिंग में आप सबसे संवाद करने का अवसर मिल रहा है, और इस सेटिंग में आपको देख के इस रूप में इट लाइक इंस्पायरिंग। मुझे सबसे पहले बताइए, आपका स्टे कैसा था? ये बड़ी बात जोरदार ढंग से आई कल जेएनयू में, ये बड़ी कमजोर ढंग से आई। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स की हर जगह चर्चा चलती रहती जार्गन, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ी सी सहायता आपसे चाहता हूँ कि कोई आप में से वॉलंटियर करेंगे और रिकैपिचुलेट कर देंगे पिछले चार दिनों के अनुभव को। Sir, I think you should have named this workshop not as PISA question workshop. It should have been a joyful learning experience workshop. We have jumped in comfort because that's what it turned out to be today. When I came here, I met wonderful people here and wonderful mentors who are there in the IIT Gandhinagar. It was really a pleasure having them here with us. I would like to say, and the stay was amazing. The campus is really very amazing. Sir, अपना ही परिवार बैठा है, तो मैं कुछ पिछकूंगा नहीं कहने से। सर, मुझे 4 साल हो गए हैं संगठन में। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पहली वर्कशॉप है जिसमें एटलीस्ट 100 टीचर इतने लाइवली बैठे हुए हैं, और जितनी भी वर्कशॉप सर मैंने अटेंड की हैं उन सभी में सर मैक्सिमम सोते हैं। तो दूसरा जो अभी जैसे मेरे साथी ने बताया कि इन सर्विस में हम सोए भी हैं, इवन मैं भी सोया हूँ। अरे हम भी सोए हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम क्यों नहीं सोए? ये सभी ने माना कि एक लाइव ट्रेनिंग थी एक तरीके से, कि सब एक्टिव थे। क्यों एक्टिव थे? जब हमारा ट्रेनर में कुछ अट्रैक्शन है, कुछ उसमें क्रिएटिविटी है, कुछ खास है प्रेजेंटेशन में, तो कोई कैसे सो सकता है? ये एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपको इतना फीडबैक मिल रहा है, ये नतीजा इस चीज का है कि टीचर्स आर मोटिवेटेड। उनके अंदर जो स्पार्क सर सोती रहती है वो उसे ज्वलंत बनाने का काम हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आगे से जो भी वर्कशॉप्स वगैरह हो इसी लाइंस पर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमने कुछ एक्टिविटीज की, फिर उन एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर किए, और उन क्वेश्चंस को फिर हमने जब सॉल्व किया तो हमें ज्यादा आसानी हो गई उस पूरे के पूरे प्रोसेस को या उस पूरे थ्योरी को, उस प्रिंसिपल को समझने में। वी बोथ ऑफ अस इन अ रूम, वी मेड दिस जनरेटर, और आई कांट टेल यू जब इसकी लाइट ऑन हुई है वी वर सो हैप्पी कि ये तो एकदम से लाइट इसमें चल रही है। और ये लेसन पढ़ाते हुए हमें कम से कम एक हफ्ता लगता, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आता। तो आप कह रहे थे जब हम ऐसा बनाते हैं इमीडिएटली समझ आ जाता है, सो दैट सेव्स सो मेनी पीरियड्स। सब जगह लोग कष्ट यही कहते हैं, अरे सर ये इतना सिलेबस पूरा करना है और इतना टाइम है। सच है, हकीकत है। 5 एक्टिविटी अगर हम कराते हैं तो ये इवॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो आया है, चाहे पीसा की वजह से हम लोग यहाँ पर हों या किसी वजह से हों, मैं बहुत खुश हूँ कि अब एक चेंज आएगा हमारी टीचिंग के अंदर, हमारी क्वेश्चनिंग के अंदर। ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करना जो नहीं देखी हैं, जो एकदम से सामने आती हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारे दिमाग में हैं। अगर हमारी अप्रोच उस तरह की, एटीट्यूड उस तरह का, अप्रोच और एटीट्यूड दोनों, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज के साथ, तो हम उसे टैकल कर लेंगे। आज हम ट्रेनिंग है, अब अपने अपने रीजन में जाके हमें मास्टर ट्रेनर बनना है, जो कि मैं अभी से चैलेंज के तौर पे देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें ये मटेरियल किसी न किसी फॉर्म में चाहिए होगा, ताकि यहाँ से जाते जाते वहाँ पे हम चीज़ों को भूल न जाए। और ये जो मॉड्यूल्स हैं इनके ऑलरेडी बने हुए, ये हमारे स्कूल में पत्रातु से आई हूँ, वहाँ ये उपलब्ध नहीं होगा, यहाँ से ले जाना पॉसिबल भी नहीं होगा। आप 17 नहीं, अब आपको 1700 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब CBSE, KVS सब लोग इस बारे में सोच रहे हैं जिधर हमें सही डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ये तरीका है कि वो प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, आंसर नहीं बताते, आंसर हमें ढूंढने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यही तो पीसा में बच्चों को। यस सर,
कि जो एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जा रही है सच में अगर हम उसको रियली ऑनेस्टली क्लास में जा के करें हमारे टीचर्स या हम लोग, तो उससे फ़ायदा ये होगा पीसा के टेस्ट की प्रिपरेशन दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन बच्चे अगर इस तरीके से एक्टिविटी के थ्रू कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कैसा भी पेपर हो उसमें थोड़ा बहुत फिर ड्रिल करा के वो उस स्टेज में आ जाएंगे कि उसको कर पाएंगे। देयर आर नो कट एंड ड्राई सॉल्यूशंस ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर थ्रोन टू देम। इफ वी कैन प्रिपेयर चिल्ड्रन विद गुड साइंटिफिक टेंपर, गुड साइंटिफिक अप्रोच, दैट इज व्हाट वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर। पीसा वीसा तो सब माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। मतलब अभी तक तो भाषणबाजी करके आसानी से काम चल रहा था और सरेआम टेस्ट करवा दिया। आपको जस्ट एक सीधी लाइन में कट करना। अब इसको खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है। So this is A, B, and S. Yes.